सबसे पहले हम लोग यहां पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और साथ साथ इनके इनसे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स पर भी बात करते चलेंगे और इसका पीडीएफ आपको जीएस कैंपस टेलीग्राम चैनल पर अभी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो पहला सवाल आज का यह है कि कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कहां संपन्न हुए, तो आपको पहले यह बता दें कि ये ओलंपिक 2020 में होने थे टोक्यो में, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के चलते ये 2020 के थे फिर 2021 में कर दिए गए, यानी अभी ये 8 अगस्त को ये संपन्न हुए हैं, तो ये हुए जरूर 21 में लेकिन कहे 2020 में ही जाएंगे। तो यहां पर जैसा कि आपको पता है कि ये जो ओलंपिक 2020 जापान की राजधानी टोक्यो में हुए थे, और अगर हम लोग इनकी बात करेंगे ये नंबर कौन सा था, तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे और ये 32वें नंबर पे आते हैं। यानी अगर आपसे ये पूछे कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां आयोजित हुए, तो जापान की राजधानी टोक्यो में हुए थे। आप ध्यान रखिएगा, आपको इससे पहले जापान में 1964 में भी हो चुके हैं, 1964 के बाद ये 1972 और 1988 में भी हो चुके हैं, यानी कि जापान में इससे पहले भी ये तीन बार इससे पहले भी ये ओलंपिक का आयोजन किया जा चुका है, 1964 में, 1972 में और 1988 में, और उसके बाद फिर 2020 में। यानी ये कहें कि जापान ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी चार बार की है, इसको लगा के देखा जाए तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा, यानी मेडल की जो लिस्ट है उसमें पहले स्थान पर कौन सा था। हम आपको सारे स्थान दिखाएंगे, बस अभी देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, आरओसी रूस ओलंपिक समिति और ग्रेट ब्रिटेन। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो पहले स्थान पर रहा था वो था कौन ना आपका, अमेरिका रहा है। तो यानी ये संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हम लोग यूएसए कहते हैं, ये रहा है इसमें पहले स्थान पर, ठीक है। यानी अमेरिका जो है ओलंपिक 2020 में पदक लिस्ट में नंबर एक पर रहा था और टोटल स्वर्ण पदक के मामले में भी नंबर एक पर अमेरिका ही था। और यहां पर आप देख रहे हैं आरओसी रूस ओलंपिक समिति, इसका मतलब यहां पर रूस होना चाहिए था कि ओलंपिक समिति क्यों लिखा है। तो याद रखिए, जैसा कि आपको पता है कि रूस के ऊपर 2 साल का बैन लगा हुआ है डोपिंग के चलते, इसीलिए रूस का अपना नाम इस्तेमाल ना होकर रूस ओलंपिक समिति के नाम से इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला देश कौन सा है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, यहां पर ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, आरओसी या ग्रेट ब्रिटेन। तो अभी हमने आपको बताया था संयुक्त राज्य अमेरिका टोटल पदक के मामले में भी नंबर एक पर है, इसने टोटल 113 पदक जीते हैं जिनमें से 39 जो है वो गोल्ड पे है, यानी 39 जो है वो स्वर्ण पदक हैं और टोटल इनकी संख्या 113 है। अगले सवाल पे आते हैं और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है टोक्यो ओलंपिक समिति, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बेहतरीन। ये अक्सर इसके आने के ये इसके आने की चांस ज्यादा है क्योंकि ये भारत से संबंधित है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो तो उसमें ध्यान से देखिएगा। तो 5, 6, 7 और 10, तो भारत ने इसमें टोटल कितने जीते थे, 7 जीते थे, और जो 7 जीते थे उसमें आपको पता होगा कि एक जो है वो गोल्ड मेडल था, एक गोल्ड के बाद रजत कितने थे इसमें, 2 सिल्वर थे यानी रजत, और 3 हो गए, और 4 कौन से हो गए थे, 4 आपके कांस्य पदक थे इसमें, ठीक है। तो ये टोटल कितने थे, 7 थे टोटल। अगले सवाल पे आते हैं और हां याद रखिएगा, भारत ने किसी भी ओलंपिक में आज तक सबसे ज्यादा पदक इसी में जीते हैं। इससे पहले 2012 का जो ओलंपिक हुआ था, 2012 का जो लंदन में हुआ था, भारत ने उसमें 6 पदक जीते थे। तो ओलंपिक में भारत की पदक तालिका में हाईएस्ट परफॉर्मेंस है, यानी 7 इससे पहले कभी नहीं जीते थे। तो भारत के किन किन लोगों ने ये 7 पदक जीते थे, उनके आपके नाम सामने हैं आपके लिस्ट के। जैसे आप जान रहे हैं नीरज चोपड़ा भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था, मीराबाई चानू भारोत्तोलन वेट लिफ्टर में इन्होंने जीता था, रवि कुमार दहिया इन्होंने कुश्ती में जीता था, और लवलीना इन्होंने मुक्केबाजी में जीता था, पीवी सिंधु जैसा जानते हैं बैडमिंटन ने, और ये पीवी सिंधु भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, ठीक है। इससे पहले भी एक जीत चुकी हैं, और बजरंग पुनिया ये भी कुश्ती में, और आपका हॉकी पुरुष टीम ने भी जीता है हॉकी में। याद रखिएगा, इससे पहले भारत ने 1980 में मास्को में सबसे जो है जीता था लास्ट बार, उसके 41 वर्षों के बाद ये भारत ने हॉकी में ये पदक जीता है।
तो किसने क्या क्या जीता है, तो हम आपको उनके सभी लोगों का एक बार उनसे इंट्रोड्यूस करा दें। जैसे आप देख रहे हैं गोल्ड मेडल वाले सबसे ऊपर नीरज चोपड़ा साहब हैं, जैसे आप मीराबाई चानू को देख रही हैं, इसी तरीके से जैसे कि आप सारे जितने सात लोगों ने मेडल जीते तो ये सातों लोगों के यहां पर फोटो लगे हुए हैं। आप इन सातों लोगों को इसीलिए लगा दिया ताकि आप पहचान सके इन्हें, किन्होंने जीता, अब उनके एक एक करके हम सबकी बात कर लेते हैं। मीराबाई चानू, इन्होंने किसमें जीता था, भार उत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में जीता था, कहां 2021 यानी ओलंपिक में, और ये भारत का ये पहला गोल्ड मेडल इस बार इन्होंने ही दिलाया था। यानी अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत के में भारत ने ओलंपिक 2020 में पहला गोल्ड मेडल किस प्रतियोगिता में जीता या किस प्लेयर ने जीता था, तो वो थे आपके मीराबाई चानू जिन्होंने जीता, ये मणिपुर की है और इन्होंने जीता था किसमें, ये है किससे संबंधित है, वेट लिफ्टर है यानी भार उत्तोलन वजन उठाने में। उसके बाद देख रहे हैं, देखो मीराबाई चानू का हमने फोटो भी लगा दिया ताकि आप देख सको, ये वजन उठाते दिख भी रही है यहां पर। उसके बाद आगे देखते हैं अगले पर, दूसरे थे नीरज चोपड़ा, हम सातों लोगों का नाम यहां पर लिख लिया है। ये खेल इनका था एथलेटिक भाला फेंक में था, नीरज चोपड़ा जो है ये सेना की चार राजपूताना राइफल रेजिमेंट में सूबेदार है, गोल्ड मेडल जीता था, और ये दूसरे ऐसे भारत हैं जो दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले कौन थे, अभिनव बिंद्रा जिन्होंने एयर पिस्टल शूटिंग में जीता था इससे पहले। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप भाला फेंकते दिखाया भी गया यहां पर उसमें देख सकते हैं, ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद अगला है रवि कुमार दहिया जो फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता था, ओलंपिक में रजत पदक जीता था इन्होंने, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं यहां पर देख रहे हैं जो है रवि दहिया साहब का ये फोटो भी है पहलवानी में, ये पहलवान जो विदेशी कोई पहलवान है इसके ऊपर टकते दिखाया गया है। आगे हैं बजरंग पुनिया, इन्होंने भी फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता और ये कांस्य पदक जीता इन्होंने 65 किलो में, और इनका ये भी हरियाणा के ही रहने वाले हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये जैसे कि देख रहे हैं बजरंग पुनिया को भी हमने यहां पर इस पर फोटो लगा लिया ताकि आप पहचान सकें, ठीक है। अगले बात यहां पर देखते हैं पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता था और याद रखिएगा ये तेलंगाना हैदराबाद की है, और याद रखिएगा पीवी सिंधु ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे पीवी सिंधु को यहां पर आप। अगला है कि लवलीना, तो इन्होंने भी जीता था, यह बॉक्सिंग में जीता था और ये भी आप ये कहा कि ये असम की रहने वाली है और जैसे ये आप दिख भी रहे हैं बॉक्सिंग करते हुए। और उसके बाद पुरुष हॉकी टीम यानी इस बार जो हॉकी ने भी जैसा कि अभी हमने शुरू में बताया था 41 साल के बाद यहां पर हॉकी में भी एक पदक मिला है, तो ये कांस्य पदक मिला था। इससे पहले हमने अभी बताया था आपको 1980 में मास्को में भारत ने लास्ट बार हॉकी में पदक जीता था ओलंपिक में, जैसे कि आप देख रहे हैं। और हॉकी टीम के कप्तान याद रखना मनप्रीत सिंह है, ये जो अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाएगा। अब अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान क्या था, यानी भारत जो मेडल लिस्ट थी उसमें कौन से नंबर पे था। जैसा कि आपको पता है नंबर एक पर जो है अमेरिका था, तो भारत 7 पदकों के साथ इसमें 48वें नंबर पर था, तो कौन कौन नंबर एक पर थे। जैसा कि आपको अभी हमने बताया था कि यहां पर देखिएगा कंट्री और मेडल उनके सब दिखाया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर एक पर जिन्होंने 39 गोल्ड जीते थे, 41 सिल्वर और 43 ब्रॉन्ज, टोटल 113। चीन दूसरे नंबर पर, जापान तीसरे पर, ग्रेट ब्रिटेन चौथे पर, मास्को यानी जो रूस की जो ओलंपिक समिति थी पांचवें पर, और भारत का नंबर 48वां था, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। ओलंपिक इतिहास में भारत का अब तक कुल कितने पदक भारत ने जीते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक टोटल पदकों की संख्या जीती है वो 35 पदक जीते हैं अभी तक, तो 35 काहे में जीते, ध्यान रखिएगा ओलंपिक इतिहास में भारत ने अब तक 35 पदक जीते जिसमें से 10 स्वर्ण है, 9 रजत है और 16 कांस्य पदक हैं। अभी तक ओलंपिक में भारत ने हॉकी में सबसे ज्यादा 13 पदक जीते थे, जिसमें से जो 13 जीते थे उसमें 8 गोल्ड हैं, 1 रजत है और 3 कांस्य हैं, जो इस बार को जोड़ दिया जाए तो। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा कुल टोटल 33 प्रतियोगिताएं को शामिल किया गया था, यानी उसमें टोटल कितने थे, 33 प्रतियोगिताएं थी। और 33 प्रतियोगिताओं में जैसा कि आपको पता है और इसमें 339 पदक स्पर्धाएं हुई, इतने इवेंट हुए और इसमें 4 नए खेलों को शामिल किया गया था। इस बार ये 4 नए खेल हैं
और इससे पहले बीजिंग ओलंपिक में ये बेसबॉल था, इस बार बेसबॉल की 13 साल के बाद इसमें वापसी भी हुई है, यानी बेसबॉल बीजिंग 2008 में ओलंपिक में था, उसके बाद इसे हटा दिया गया, इस बार उसको फिर से वापस शामिल कर लिया गया। ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर कौन है, यानी ट्रांसजेंडर, तो ये ध्यान रखिएगा, ये है न्यूजीलैंड की है जिन्होंने जीता है, इसमें पदक भी जीता, और ये न्यूजीलैंड की थी, पहली ट्रांसजेंडर थी जिन्होंने ओलंपिक टूर्नामेंट, ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट में भाग लिया था। और एक बात और बता दें, इस बार याद रखिएगा ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी 49% थी, यानी अगर ऐसे समझो कि 100 लोगों ने वहां 100 प्लेयर गए ओलंपिक में शामिल होने, तो उसमें से 49 महिलाएं भी थी। टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर क्या था, यानी ये जो शुभांकर क्या था जो इनका, वो था आपका मिराई तोबा। अगला है टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। जब आपको पता होगा, जब कोई बड़ा इवेंट होता है उसमें भारत का एक झंडा लेके कोई चलता है, तो उसमें जो भारतीय ध्वजवाहक थे वो थे आपके हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और इनके साथ मीराबाई चानू, इन लोगों ने जो ओपनिंग सेरेमनी थे उसमें भारतीय ध्वजवाहक थे, इन्हें आगे आगे चले थे झंडा लेके तिरंगा। और इसी तरीके से जो समापन समारोह होता है उसमें भी ध्वजवाहक होता है, लेकिन वो उसका अगला क्वेश्चन फिर आगे देखेंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, मैरी काम और मनप्रीत सिंह ये हॉकी टीम के कप्तान है, याद रखिएगा। ओलंपिक 2021 में समापन, यानी 21 में हुए जरूर थे लेकिन ये 2020 के नाम से ही जाने जाएंगे। तो समापन में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, ये थे बजरंग पुनिया, जो कि पहलवान है, जिन्होंने आपको एक पदक भी दिलाया था, यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल, जैसे कि कह रहा है टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के लिए एक थीम सॉन्ग था, तू ठान ले, ये किसने गाया था, इन्हीं जो भारतीय ओलंपिक दल था उसके लिए एक सॉन्ग था जिसका नाम था तू ठान ले, इसके बोल थे शुरुआती, और ये गाना इसको गाया था मोहित चौहान ने। इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, कह रहा कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन है, तो इसमें देखिएगा, माना पटेल, भवानी देवी, नेत्रा कुमानन और ननेनी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इनमें 14 नंबर जो कह रहा है कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला, तो ये हैं आपकी माना पटेल। अगले सवाल पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नौका चालक, यानी जो वोटिंग, तो इसमें कौन सी आपकी, ये माना पटेल है, भवानी देवी है, नेत्रा कुमानन है या नन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसे 15 नंबर में कौन है, ये कौन से हैं बताइएगा, ये चेन्नई की हैं भवानी देवी, जो तैर यानी नौका, जिन्होंने पहली नौका चालक थी ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला भारत की तरफ से। अगला है ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज, ठीक है, तलवारबाज, हाँ, तो ये कौन थी, क्वेश्चन नंबर 16, तो ये जो थी ये भी तमिलनाडु की थी, ये भवानी देवी हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, ये क्वालिफाई करने वाली पहली महिला नौका, ये क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी ये गलत है, 15 का, सॉरी 15 में नहीं, 15 में ये हैं, ये चेन्नई की थी, यहां पर थोड़ी सी चूक हो गई, ये चेन्नई मद्रास की है, ठीक है, 15 में ये, और आगे 16 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें ये भवानी देवी है, ये भी तमिलनाडु के हैं, वो भी तमिलनाडु के हैं। अगला कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में पहली बार मशाल रिले का इस्तेमाल कहां से किया गया था, यानी जैसे कि ओलंपिक में शुरू होने से पहले एक मशाल का ये एक परंपरा है, तो वो कहां से सबसे पहले शुरू किया गया था, 1936 ओलंपिक, 1896, 1921 या ये है आपका 1924, तो ये मशाल का कार्यक्रम कहां से शुरू हुआ था, तो ये 1936 के ओलंपिक से, ठीक, और ये 1936 के ओलंपिक कहां हुए थे, बर्लिन में हुए थे, कहां हुए थे, बर्लिन कहां है, जर्मनी में। और ये जो शीतकालीन ओलंपिक में जो मशाल का कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये किया गया था 1952 से, यानी ये 1936 में ग्रीष्म काल में मशाल, और ये 1952 में शीतकाल ओलंपिक में मशाल का कार्यक्रम शुरू किया गया था, शीतकाल ओलंपिक। अगला है, प्राचीन भारत में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ
प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 650 ईसा पूर्व, 450 ईसा पूर्व, 810 ईसा पूर्व या 776 ईसा पूर्व? तो कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 776 ईसा पूर्व। ये यूनान में एक ओलंपिया पहाड़ पड़ता है, वहां पर लोग फुर्सत के टाइम पर ये गिल्ली जैसे कुछ खेला करते रहे होंगे, तो उसी के बाद में उसी से उसका नाम आगे ओलंपिक पड़ गया। आधुनिक ओलंपिक में आयोजित होने वाला पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था एथेंस में, हुआ था यूनान में 1896 में एथेंस। अगला सवाल यह कह रहा है कि प्रथम ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन कहां आयोजित किए गए थे, यानी पहले ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन खेले गए थे वो कहां थे? इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? आधुनिक ओलंपिक, ये यहां ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि प्रथम ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन कहां आयोजित किए गए थे? जैसा कि आपको पता है और अभी हमने आपको बताया भी, ये खेले गए थे पहले ग्रीष्म, यानी ग्रीस में, यानी जो एथेंस थे, यूनान कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा शीतकालीन पहले ओलंपिक खेले गए थे 1924 में फ्रांस में। ये शीतकाल अगर ओलंपिक पूछ ले तो आपको लगाना है 1924 फ्रांस में शुरू हुए थे, और ग्रीष्मकालीन आधुनिक ग्रीष्म का यानी जो ओलंपिक है वो आपके एथेंस यूनान में। अगला सवाल यहां पर यह कह रहा है कि भारत में ओलंपिक खेलों का, भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले कब भाग लिया था? क्वेश्चन नंबर 21, भारत ने सबसे पहले कब ओलंपिक में भाग लिया था? तो भारत ने 1900 में ओलंपिक में सबसे पहले भाग लिया था, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। और ये जो है 1900 में जो हुआ था, इसमें एकमात्र जो है नॉर्मन ये करके कोई प्लेयर हैं जिन्होंने, आंग्ल इंडियन थे, इन्होंने भाग लिया था। नॉर्मन करके कुछ हैं, क्या नाम है देखो, इन्होंने भाग लिया था, ये आंग्ल इंडियन थे और इन्होंने 1900 में जो ओलंपिक हुए तो उसमें भाग लिया था, और एथलेटिक में 2 पदक भी जीते थे, रजत जीते थे। अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल कह रहा है ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया? बहुत बढ़िया सवाल। 1896, 1890, 1924, यानी महिलाओं को कब शामिल किया गया था? तो महिलाओं को 1900 में जो ओलंपिक हुए थे इसमें शामिल किया गया था महिलाओं को। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? जैसा कि आपको पता है ओलंपिक 4 वर्षों के अंतराल पर हुआ करते हैं, जैसे 2008 में बीजिंग में हुए थे, फिर 2012 में आपके कहां हुए, 2012 लंदन में, फिर 16 में, फिर 20 में, फिर 24 में, फिर 28 में, फिर 32 में, फिर 36 में, इसी तरीके से होंगे। अगला है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1885, 23 जून 1894 या 1905 ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1894 में, ठीक है, ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 फ्रांस पेरिस में हुई थी, फ्रांस में। अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल यह कह रहा है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है, इसका हेडक्वार्टर कहां है ओलंपिक समिति का? तो हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहां है, यह हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में है ये हेडक्वार्टर यहां पर, और इसकी स्थापना जैसा कि अभी हमने आपको बताया था 1894 में पेरिस में फ्रांस में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष कौन था, यानी जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी थी उसका पहला अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 26, इसका पहला अध्यक्ष कौन थे? ये थे, और ये यूनानी थे। कौन थे? यूनानी थे, यानी यूनान से एथेंस ग्रीस कहते हैं उसके थे, ठीक है। अगला सवाल है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है वो तो पहले पूछे गए थे, और ये वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये जर्मनी के हैं, थॉमस वॉच, ये जर्मनी के हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आधिकारिक भाषा क्या है? तो आधिकारिक भाषा इसकी फ्रांसीसी और अंग्रेजी है, ओलंपिक की आधिकारिक भाषा, यानी फ्रेंच और इंग्लिश कह सकते हैं आप, इसकी आधिकारिक भाषा है। अगला सवाल ये है, 28 हो गया था, हाँ 29 है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 28 जून, 23 जून, 29 अगस्त और 15 फरवरी। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो है वो ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, वो मनाया कब जाता है? वो 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही है।
फिर क्या कह रहा है कि अगला सवाल पर आते हैं, कह रहा है भारतीय ओलंपिक संघ यानी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, 1987, 1927, 1924 या 1904। तो इसमें कब की गई थी, तो याद रखिएगा यह हुई थी 1927 में, जबकि भारतीय राष्ट्रीय ओलंपिक को मान्यता 24 में मिल गई थी, लेकिन इसकी स्थापना होती है 1927 में। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं नरेंद्र बत्रा, ये जो है भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। तो ये ओलंपिक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण 32 प्रश्न थे, और प्रश्नों के साथ साथ इसके साथ में हमने आपको एक्सप्लेनेशन भी उनका दिखाया। जैसे कि एक बार आपको फिर बता दें, तो यहां पर जैसे कि आपने देखा होगा कि यहां पर देख रहे होंगे कि जैसे हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि बहुत सारे जो जिन जिन प्लेयर्स ने जीता था उन प्लेयर्स के हमने यहां पर फोटो भी लगा रखे थे, ताकि आप फोटो से भी पहचान सके और इनसे जुड़े हुए जितनी भी जानकारी थी। जैसे देख रहे हैं इन्होंने ये जीता, तो जितने भी लोग जीतने वाले थे उनके हमने यहां पर फोटो भी लगा रखे थे, जैसा कि आपको यहां पर देख रहे होंगे। तो इसी तरीके से फिर हम लोग फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे आपको इसी चैनल पर, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो और थोड़ा मनोबल बढ़ता है, तो आप लोगों को ये बिल्कुल एकदम इसी तरीके की बेहतरीन जानकारी मिलेगी। और हाँ, अगला वीडियो आपको कोशिश हम करेंगे कि जो आपके पेट के सिलेबस में टाइम जोन, कई लोगों ने ये कहा भी है, तो अगला जो वीडियो होगा वो आपको टाइम जोन पर डिस्क्रिप्टिव क्लास के रूप में मिलेगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग इसी चैनल पर, जीएस कैंपस पर। बहुत बहुत धन्यवाद।